सर, जो मेरे मन का पहला सवाल था सर, सर इसे सर चैलेंज कहें या मेरी सबसे बड़ी कठिनाई कहें सर, इस कोरोना टाइम में है ना सर, पैसे नहीं है सर मेरे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सर पैसों की है सर, पैसों की दिक्कत है सर। बिल्कुल आशीष, होगा आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, क्योंकि सिर्फ ये आपके साथ नहीं है, हमारे देश और पूरे दुनिया के ज्यादातर लोगों के साथ है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये चैलेंज तो है। लेकिन इस बीच में एक बात आपको कहना चाहूंगा आशीष, क्योंकि ये बात वो आपको बता रहा हूं कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, इस तरीके की बात मुझे भी बताई गई थी। एक आंकड़ा बताया गया कि पूरी दुनिया में ना लगभग 5% लोग हैं जो बहुत अमीर घराने से हैं, लगभग 10% के आसपास लोग वो हैं जो अपने दम पर, पैदा तो गरीब घर में हुए थे, और 10% लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अमीर लोगों की लिस्ट में अपना नाम पहुंचाया। लेकिन एक बड़ा तबका, लगभग 85% वो लोग हैं जो अपना एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को किसी तरह से चला रहे हैं, या तो रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं, या कुछ सुख सुविधाएं उन्हें मिल पाती हैं, उन्हें अपने मन की सारी इच्छाएं नहीं मिलती हैं आशीष। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके एक बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है आशीष। नौकरी आपको एक सीमित इनकम देता है, बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी देता है एक बड़ा आदमी बनने का। यहां पर ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये एक मौका है आपको बिजनेसमैन बनने का आशीष। बाहर कोई बिजनेस करने जाओगे तो कई लाख और करोड़ रुपए कई बार लग जाते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। यहां पर बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत थोड़े पैसों में आपके पास मौका है अपना बिजनेस करने का, एक अमीर आदमी बनने का। ऐसा अमीर आदमी आशीष, जहां पर कल को आप अपने पास गाड़ी, घर, बंगला, विदेश यात्राएं, आप सब इंजॉय कर सकते हो। दिक्कत तो है दोस्त, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो मौका मिला है, ये मौका आपकी लाइफ को बदलने वाला मौका है आशीष। अगर इस मौके से चूक गए तो सामान्य जीवन में लग जाओगे, अपना सामान्य जीवन जीते रहोगे, लेकिन आज से 10 साल 15 साल के बाद कोई दोस्त तुम्हारा जब बहुत कामयाब मिलेगा, जब आप उसे देखोगे तो कहोगे यार ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, तो पता चलेगा कोई बड़ा बिजनेस किया है इसने। तो बिजनेस ही एक जरिया है अमीर बनने का, और उसमें से एक ये बिजनेस है। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है, ना आपका बिजली का बिल आएगा जैसे बिजली चल रहा है, ना आपका ऑफिस का बिल आएगा, ना आपको किसी इंप्लॉय को कोई खर्चा देना है, और बिल्कुल ज्वाइनिंग फ्री है, आप जानते हैं अच्छे से। आप अपनी इच्छा अनुसार प्रोडक्ट खरीद कर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, एक मौका मिला है, आपके अपने सपने हैं, जैसा मुझे स्वीटी ने शुरू में ही कहा था, आप बहुत एम्बिशियस हैं, एम्बिशियस है, तो ये मौका मिला है आपको अपनी जिंदगी बदलने का, इस मौके का फायदा उठाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अमीर बनाने की दोस्त, और इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी तो ये मिला ही है आपको, एक मौका तो आपको मिला ही है अमीर बनने का, इसके साथ डबल मौका है। जैसा आपने बोला, इस कोरोना टाइम पर पैसों की दिक्कत है, बिल्कुल जायज है। दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है आशीष, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई है। मानते हैं ना इस बात को? या तो जॉब चली गई है, या जो लोग नौकरी में हैं उनकी सैलरी आधी हो गई है। जो लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर आके काम कर रहे थे, उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ गया है, क्योंकि काम बचा नहीं है यहां पर। तो ये चैलेंज है एक तरफ से, लेकिन ये एक मौका भी है। मौका क्या है? ये जितने लोग हैं जिनके पास आज काम नहीं है, कोई ना कोई तो काम ढूंढेंगे ना। बिल्कुल सर, ढूंढेंगे सर, ढूंढेंगे ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे आशीष? सर, ढूंढेंगे। जब ढूंढेंगे तब आपके पास एक विकल्प है इनको ये अपॉर्चुनिटी सेल करने का, कि आओ मेरे दोस्त, आओ मैं एक अमीर बनने के रास्ते पे चल रहा हूं, तुम्हें भी अपने साथ में उस रास्ते पे लेके चलता हूं, जहां बिल्कुल कम पूंजी में अमीर बना जा सकता है। अगर आप इस मौके को समझोगे ना,
तो पैसों का तो इंतजाम तुरंत हो जाएगा आशीष, भगवान ना करे आशीष आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, ईश्वर ना करे आपने बोला आपके भाई हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर बोले 10,000 रुपए की जरूरत है, इंतजाम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, जरूर होगा सर। और बिल्कुल होगा। आप गांव के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आपकी बहन है जिसकी शादी लग गई आशीष, आपके पास मात्र 6 लाख रुपए हैं, रिश्ता बहुत बढ़िया मिल गया, आपका बजट था कि मुझे 6 से 7 लाख में शादी करनी है, रिश्ता बहुत बढ़िया मिल गया जहां पर लड़का नौकरी वाला है, लगभग लग रहा 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा होगा, एक अच्छा मौका है, इस घर में शादी हो जाएगी तो बहन की जिंदगी बदल जाएगी, वहां शादी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। लेकिन आपके पास पैसे तो है नहीं, फिर आप कैसे करोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष। सर इंतजाम करेंगे सर, बिल्कुल पैसों का, कहीं ना कहीं से सर, कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। जिंदगी में ज्यादातर हम लोग ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है मैं इंतजाम करूंगा, हमें इसी चीज से बाहर निकलना है आशीष। हमें अपने आप को ऐसा अमीर बनाना है कि हम कभी ये ना बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। अपने इर्द गिर्द देखना, क्योंकि मैं भी अपने इर्द गिर्द देखता हूं, ज्यादातर लोग ऐसे ही, अगर आप उनसे बात करो तो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, कमाता तो हूं सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हमें अपने आप को इस लिस्ट से बाहर निकालना है, सिर्फ रोजी रोटी नहीं कमानी है, डबल अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है, इसको फायदा उठाते हुए अपनी लाइफ को बदलना है। इसके लिए आपको पैसों का इंतजाम करना है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी आशीष। तो क्या लगता है, जब आपके पास जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्या पैसों का इंतजाम अब हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। सर एक मिडिल क्लास फैमिली में सर पैसों का इंतजाम कर पाना वैसे तो मुश्किल ही था सर, बट सर आपने सर बिल्कुल सर सही तरीके से मुझे बताया है, मैं सर कर लूंगा सर पैसों का इंतजाम। सर सर यदि आपका सपोर्ट सर इसी तरह से रहा जिस तरह सर अभी आप मुझे बता रहे हैं तो बिल्कुल सर मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा सर मैं। बिल्कुल आशीष, ये ऐसा ही सपोर्ट है माय डियर फ्रेंड, जिस जगह पर आज तुम बैठे हुए हो, कभी मैं भी इस जगह पर था, मेरे मन में भी सवाल थे, मेरे मन में भी शंकाएं थी, पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊंगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, और वाकई में नहीं थे। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं, जैसे आपको मुझ पर विश्वास हो रहा है, ये विश्वास का बिजनेस है, विश्वास रखिए, हम लोग मिलकर तरक्की करेंगे, भरोसा रखिए। आज तक जो किल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, हमें उस जिंदगी से बाहर निकलना है, इसीलिए परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद पैसों का इंतजाम करना है, क्योंकि हमें अपने आप की जिंदगी बदलनी है और हमें एक अमीर आदमी की लिस्ट में जाना है, हमें नीचे बैठकर हवाई जहाज को बाय बाय खुद, या मेरा बच्चा खाली सर उठाकर हवाई जहाज को देखे, वो जिंदगी नहीं जीनी है आशीष। हमें वो जिंदगी जीनी है कि हमारे बच्चे हमारे अच्छे स्कूलों में जाएं, हमारे बच्चे फ्लाइटों में घूमें, हम लोग फ्लाइटों में ट्रेवल करें, हम लोग बड़ी गाड़ियों में घूमें। ठीक है आशीष? बिल्कुल सर। तो अपने सपनों के लिए कर सकते हो पैसों का इंतजाम? बिल्कुल सर करूंगा सर, मैं बिल्कुल करूंगा। वेरी गुड।